हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी करिकुलम चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं उनके बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत अवार्ड अंडर द नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2023। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत पुरस्कार किसने जीता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गंजम डिस्ट्रिक्ट ने इस अवार्ड को जीता है और उड़ीसा में गंजम डिस्ट्रिक्ट है। ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है बाय द प्रेसिडेंट, जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और ये इवेंट हेल्ड हुआ था विज्ञान भवन में, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। Who will be honored with the Lata Deennath Mangeshkar Award 2023? Lata Deennath Mangeshkar Puraskar Award किससे सम्मानित किया गया है? So the right answer is option number A, आशा भोसले। इनको ये award receive हुआ है और जो ये award है वो second number का award है, और पहला award मिला था माननीय प्रधानमंत्री जी को, PM मोदी, फर्स्ट लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 में हमारे पीएम को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 रिसेंटली? हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नंदिनी गुप्ता जी को मिला है। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो ये हैं कि जो ब्यूटीज़ हैं उनको अवार्ड 2022 और 2023 में किन्हें मिला था। तो मिस यूनिवर्स की बात करें तो मिस यूनिवर्स 2022 की हैं आर बोनी गैब्रियल, और ये कहाँ की हैं? यूएसए की। मिस यूनिवर्स 2021 की बात की जाए तो थी हरनाज सिंधु, जो कि इंडिया से हैं और इंडिया के पंजाब स्टेट से। नेक्स्ट है मिस इंडिया 2023 कौन है? तो अभी हमने बात की, नंदिनी गुप्ता जी हैं, जो कि राजस्थान से हैं। मिस इंडिया 2022 वो हैं शिनी सेठी, जो कि बिलोंग करती हैं कर्नाटका से। क्वेश्चन इज, हु हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द IIFA अवार्ड्स 2023? IIFA अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दृश्यम मूवी जो थी उसको अवार्ड मिला है। हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द वाइल्ड कंजर्वेशन अवार्ड 2023? हाल ही में वन्य संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आलिया मीर। आलिया मीर पहली वुमेन है जिन्हें वाइल्ड कंजर्वेशन अवार्ड मिला है, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। हु इज़ द विनर ऑफ नोबेल प्राइज़ 2022 इन लिटरेचर? लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ किसे मिला है, कौन विजेता है? सो द राइट आंसर है एनी एर्नॉक्स, इन्होंने ये खिताब जीता है। क्वेश्चन इज, हु हैज़ ऑनर्ड विद द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अल्लू अर्जुन को मिला है ये अवार्ड, और इनकी जो मूवी आई थी पुष्पा उसके लिए ये अवार्ड इन्हें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द रैमन मैग्सेस पुरस्कार अवार्ड? हाल ही में रैमन मैग्सेस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दलाई लामा को ये अवार्ड दिया गया है। ये जो दलाई लामा हैं वो एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, ये तिब्बतन बौद्धिज़्म के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर हैं। इस अवार्ड को नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया भी कहा जाता है, और ये दिया गया है फिलीपींस के द्वारा। क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु हैज़ ऑनर्ड विद द मार्कोनी प्राइज़ 2023? हाल ही में मार्कोनी प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हरी बाला कृष्णन को। ये कंप्यूटर के साइंटिस्ट हैं जिनको मार्कोनी प्राइज अवार्ड दिया गया है। ये एक टॉप ऑनर प्राइज़ है
जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट को दिया जाता है और ये दिया गया है बाय द यूएस बेस्ड मार्कोनी फाउंडेशन के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो और क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड विद द लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हमारे जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो प्लीज़ लाइक कॉमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।